وانا اذكر لك اشياء من اشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل اما المجمل فهو الامر فهو الامر العظيم والفائدة الكبيرة لمن أقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أن أم الكتاب أن أم الكتاب وأخر متشابهات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سماه الله

शेख ने कहा व आना अज़ कुर का अशिया अम्मा ज़क्र फी किताब ही जवाबन लिकलामिन कलामिन एहतर जबिलशरिक न फ़ी ज़माना आलिना कि मैं आप लोगों के सामने आपके सामने कुछ ऐसी बातों को बयान करूँगा जिसे अल्लाह तबारक ताल ने अपनी किताब में अपनी किताब में जिक्र किया है किस तरह जिक्र किया है जवाबन जवाब के तौर पर किन जवाब में उस कलाम के जवाब में जिससे मशरक ने हजत पकड़ी मशरकिन अपने आमाल और औरतिकादत के हक में जो बात पेश करते थे कि हम इसलिए सही हैं या हमारी दलील ये है अल्लाह रब्लम ने उसका जवाब दिया तो ये मशरकिन का जो इस्तलाल या उनकी हजतें थी और क़ुरान ने उसका जवाब दिया आज के जमाने ज़माने के बाद मशरक उन्हीं बातों को हाँ दलील के तौर पर हमारे सामने पेश करते हैं हुज्जत के तौर पर तो उन्हीं बातों को पेश करते हैं फनक तो हम ऐसी बातों को बयान करते हुए ये कहेंगे कि जवाब व अहल बा मेन तरीक़े अहल बातिल का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है एक मुजमल है और एक मुफसल एक इजमाली अंदाज का मुख्तसर जवाब बुनियादी तौर से जान लेने वाला और दूसरा मुफसल जवाब मु, मु, जो मुजमल जवाब है ये ऐसा जवाब है कि एक ऐसा आदमी जो शरीयत की तफसीली दलाइल को शरीत की तफसीलीसूस और दलाइल को नहीं जानता हाँ हक को पहचान लेवे तो इस मुख्तसर जवाब से वो उन अहले बातिल की दलीलों का जवाब दे सकता है इजमाली तौर से मोटे मोटे तौर पे कह लीजिए यहाँ इजमाली मुख्तर जवाब बुनियादी जवाब वो क्या है अमल मुजमल अब शेख ने इजमाली जवाब जो मुजमल है मुजमल और मुफसल समझ रहे ना हाँ मुजमल यानी यानी यू समझिए मुख्तसर इजमाल मुख्तसर के अख्तसार के साथ इजमाल के साथ जवाब तफसील है तो एक एक दलील के ताल्लुक से मुफसल अंदाज में उसका तज्जिया करते हुए दलाइल देते हुए कुरानी आयात पे कि तुम ये कह रहे हो उसका जवाब ये है तो जवाब एक है और इजमाली जवाब यानी एक बुनियाद के तौर पर अख्तसार के साथ एक मैंने कहा कि यह इजमाली जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए अगर आप तफसी तौर पर किसी मशरक का जवाब नहीं भी दे पा रहे हैं उसका आ, लेकिन इजमाली जवाब अगर आपको पता है तो आप ये जवाब देकर उसको रद्द भी कर सकते हैं और अपने आप को उसके बादल बातिल वाले फ़रीब से बचा भी सकते हैं तो रहा मुजमल जवाब फौल अमरजीम तो ये इजमाली जवाब बहुत बड़ा मामला है ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये इजमाली जवाब बयान कर रहे हैं और तो ये कह रहे हैं कि यह मुजमल जवाब जो है ये अमर अजीम है बहुत बड़ी चीज़ है और एक बड़ा फ़ायदा है उस शख्स के लिए जो इसको समझे अगर आप या कोई शख्स कोई मुसलमान समझना चाहे तो ये बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है इस फायदे की बात को अगर जहन में रख ले तो अहले बातिल की हुज्जतों को सिर्फ इस एक बात से वो उड़ा सकता है समझ सकता है कि यह गलत है हाँ वजाली का कौलह और वो अल्लाह ताला का ये इरशाद है कुरान की आयत है वो क्या है किताब मिन हो आया तो महकमा वही अल्लाह है जिसने आप पर किताब उतारी जिसने आप पर किताब उतारी उस किताब में से जिसमें कुछ वाज मज़बूत आयतें हैं मिनो आया तो महकमात वाज और मजबूत महकम की एक असिलाह फ़िका में महकम कहा जाता है ये उससे पहले कुरान के अल्फाज हैं तो मोहकम का माना मुराद ये हुआ कि जो मजबूत है जो साफ है मतलब उसका जो माना और मुराद है अल्लाह रब्लमीन उस आयत के ज़रिए से जो बंदों को हुक्म दे रहा है हिदायत दे रहा है वो बिल्कुल साफ़ है अपने मकसूद में कोई पोशीदगी कोई उलझन कोई हेश पेश नहीं है आसानी से उसका मदलूल और मकसूद समझ में आता है कि यह मतलब है इसका तो उन कुरान की आयतों में कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल वाजह और मजबूत हैं मीनो आयात महकमत हुन्ना उम्मल किताब यही असल किताब है गौर कीजिए अल्लाह के फरमान में जो आयात महकमत है यही क्या है असल किताब है मतलब ये कि साफ साफ जो बातें कुरान मजीद में बयान की गई है वो असल है वो असल हिदायत हैं जो इंसान को पैरवी करनी चाहिए उसके अलावा कह रहे हैं मीन हो तो क्या है ओखर हो मोत हाथ और उसके अलावा कुछ आयतें ऐसी हैं जो मोता हैं मतशाबे से मुराद क्या हुआ मोहकम के, के मुकाबले में मतशाबे हाँ हा, ये बेकार नहीं है ये असल किताब जब उसको कहा गया महकाम को तो इस मुतशबे के मुकाबले में कहा गया वरना यह बेकार नहीं है इनके भी माना और मुराद है लेकिन इसकी मफ इसकी दलालत इसका माना मफो मकसूद हर एक को आसानी से समझ में नहीं आ जाता कुछ लोगों को समझ में आता है कुछ लोगों ने आगे की आयत से समझे और उनमें और बाद मुत आयते हैं फम लदीना फीकुल बहिम फमदीना फीकुब फैत तब मातशा बहा मिन तगा वि तो जो लो जिन बस जिन लोगों के दिलों में कजी है, कजी, पन, पन है, है तो जिनके दिलों में कजी है फैत तबना मातशाह बहा मिनहु तो वो तो उस मतशाबे उन मतशाब आयतों के पीछे लग जाते हैं फितने की तला क्यों पीछे लग जाते हैं इब्तः अलफित फितना चाहते हुए वब्तगा तावीली और उनके मुराद की जस्तजू के लिए हालाँकि अमिन तवी हालांकि उनकी हकीकी मुराद को सिवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता उसमें आपके इसमें इतनी आयत है आगे और भी है वर्रास रबना कुल्लु बिन इंद क्या है आमन्ना भी कुल्लुम बिन इंदिर रबना तो कहते हैं जो इल्म में पुख्ता और रासिख हैं वो कहते हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से है हम सब पर ही मान लाए कुछ को मान रहे हैं कुछ को नहीं मान रहे हैं ऐसा नहीं हाँ यहाँ कुछ लोगों ने आ, अल्लाह पर किया कि तोफ़ कियाताविल्ला और आगे का जुमला अलग कि इल्म में जो पुख्ता है वो ये कहते हैं कुछ लोगों ने कहा वमायलम ताविल्ला वर रासिखुन फिर और इल्म में रुसूख रखने वाले पुख्तगी रखने वाले भी उसका माना मफहम समझते हैं अल्लाह की तरह ना सही लेकिन समझते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारे रब रब की तरफ से है कुरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया इधर देखिए अपने अल्फाज में थोड़ा सा दो जुमला की वजाहत कि कुरान पूरा अल्लाह का कलाम है हिदायत के लिए है लेकिन उसमें कुछ मुहकम आयतें हैं कुछ मतशबे मुहकम वाज हैं असल किताब है मतशबे ऐसी हैं जो कुछ लोगों को समझ में आती है हाँ, उसकी माना और मुराद बिल्कुल वाजे हर एक के लिए नहीं होते हाँ अब जो लोग फितना परवर हैं जो लोग जिनके दिलों में टेढ़पन है वो उम्मल किताब या यूं कहिए कि मुहकाम को छोड़कर मुतशाबहत के पीछे पड़ जाते हैं ये बहुत अहम मामला है अल्लाह रबुल आलमीन ने एक बुनियाद बयान किया और शेख मोहम्मद कह रहे हैं कि हर अहले बातिल जो कुरान और हदीस को मानकर कर गलत मसलक और मकतब मकतब फिक्र या मनहज पर चल रहे हैं उन सब का ये इजमाली जवाब दे सकते हैं जो शिर कर रहे हैं बिदत कर रहे हैं और कुरान और हदीस से बात शुभात को पेश करते हैं कि देखो हमारी दलील ये है उनका जवाब ये दे सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वाज किताब मुहकम आयतें नाजिल की हैं उन मुहकम आयतों से जितनी शिर और तो बिदात है सबका रद्द होता है और जो लोग कुरान और हदीस से शिरक और बिदत को सही साबित करने की कोशिश करते हैं वो मोहकम आयतों को छोड़कर मुतशाबे से इस्तेदलाल करते हैं मैं एक आगे शरह और मोहम्मद अल वहाब रहमतुल्लाह की इबारत आगे बढ़ाने से पहले एक मिसाल आपको दूं खर जैसे कुरान और हदीस में ये बिल्कुल साफ साफ मजमून है कि अल्लाह के अलावा गैब कोई नहीं जानता हूँ वला यालमो यालमो माफ क्या है वो सूरह हाँ सूर्य नमल की जो आयत है वाली आयतों के बाद बलिदार काल्म फिल आखिर बलहम फिशक मिनहहा बलहुम मिनह अमून आगे हाँ हुसैन बलिदार का इल्म फिल आखिर बलहम फिश के मिना बलहम बलिदार का इल्म उससे पहले है के बाद है कि आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता ये इस माना की खुद कुरान ने कहा कि आप कह दीजिए कि तो मैं गैब नहीं जानता बोलो खैर हाँ। तो मुझे अगर गैब मालूम होता तो मैं भलाइया ही भलाइया करता और मुझे कोई तकलीफ पहुंचती मुसीबत तकलीफ पहुंचती ही नहीं ये बिल्कुल मोहकमायतें हैं ना साफ और महकमा आयतें क्या कह रही हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कैबियात का इल्म किसी को नहीं है और कुरान के पास बजबाज जगहों पर मजामी है कि अल्लाह ताला जो चाहता है गैब के इल्म में से अपने बंदों में से जिसको चुनता है उसे देता है जैसे सूरज जिन में है, इल्ला है ना है। इल्ला इल्ला कोई बात नहीं, नहीं। वो हो गई बात ऐसी और भी बीस आयतें हैं इस माना की और जमीन में गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता अल्लाह जितना चाहता है गैब अपने बंदों को जो और जितना चाहता है बताता है अब कहीं इसतित से लोग इस्तेदाल करते हैं कि देखो इल्ला अरतजा में रसुल देखो रसूल में से जिसको पसंद करता है चुनता है उसको देता है ये एक माना निकाल के कुरान की महकम आयतों का रद्द कर रहे हैं इसी तरीके से हदीसों में से ढूंढ कर लाए अरे अल्लाह के रसूल से वसम ने कहा कि अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करमा अल्लाह वाना आसिम इस तरह है ना कि मैं कस तकसीम करने वाला हूँ हजतब हरेरा रजी अल्लाह ने कहा कि मैं आपके पास हदीसें पढ़ता हूँ मैं इलम हासिल करता हूँ भूल जाता हूँ हाँ तो आपने उनके हाथ में कहा झोली फैलाओ और अपने लब को ऐसे डाला और कहा उसके बाद से मैंने नहीं मैं नहीं भूला अबू हुररा तो हमारा ये बद आदमी बिदती मुश्रकाना अकीदा रखने वाला कि अल्लाह के रसुल भी गैब जानते हैं ये बदगी रखने वाला ये कहता है कि देखिए आप कहते हो अल्लाह के रसूल गैब जानते नहीं थे आप तो गायब बांट रहे वाली इस भी जिस अभी बोले पूछो तो वो तो क्या पूछना है हां इल्म الاولین والआखिरिन अब इस किस्म की दलीलों से इस्तेमाल करके अकली दलील घोले दौड़ा कर घुमा फिरा कर ये ऐसी ही बात निकालते हैं जिससे कुरान और हदीस के मोहकम मजामीन का रद्द कर रहे हैं گویا متشابه से दलील खींच खांच के निकाल के उन आयतों को जो बिल्कुल साफ है मजलूल में मकसूद में माना में कि अल्लाह के अलावा कोई तमाम गैबियात को नहीं जानता इसको रद्द करते हैं कुरान में कितना साफ साफ मजमून है अल्लाह के रसूल से बारहा पूछा गया कि कयामत कब होगी आपने कहा कि मैं नहीं जानता कुरान में भी है हदीसों में भी है है ना बिल्कुल क्लियर है आप नहीं जानते थे तो ये ना जानना ये बता रहा है कि बहुत सी चीजें अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे उतना ही जानते थे जितना अल्लाह ने बताया लेकिन इन मुहकम आयात और दलाइल को छोड़कर मैं एक मिसाल दे रहा था इस बात की आप गौर कीजिए और इसको आप बड़े पैमाने से छोटे पैमाने तक आइए देखिए कि हमारे यहां भी बाज लोग जो है ना उन अहकाम को जिस पर हमें अमल करना चाहिए जिस जिसपे कुत सर्व करना चाहिए जिस पर तर, जिसको तरजीह देना चाहिए उसको छोड़ के ऐसे मसाइल जिसमें इख्तलाफी गुंजाइश आजकल सोशल मीडिया पर उस पर जो है वर्जिश करते रहते हैं लोग दिमागी पूरी दुनिया का एक शान और फला और फला वो फला आदमी जो है वो फलसफे हैं डॉक्टर असरार उनके बारे में आपका क्या कहना है उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है छोड़ दो उनको ख़त्म कर दो नहीं, बात थो थो। नहीं उसके अलावा भी जैसे ठीक है इस्तेफादा करने की बात है कुछ लोग कर रहे हैं उनको बता दो कि इनके यहाँ इनहराफ है इनके यहाँ जो है मनहज की गलती है अहले तो सुन्नत जमात के मुतफ़ा अकीद, मुतफ़ा अकीदों के खिलाफ बात करते हैं दो चार जुमला आपको पता चल गया फिर क्यों पीछे पड़े हो और जन्नत जहन्नम मरने के बाद उनका क्या होगा वो अल्लाह का काम है आपका और मेरा नहीं है इस्तेफादा करने और ना करने के लिए वो मुतमद है कि नहीं है हमने बता दिया नहीं है ख़त्म करो काबिल एतमाद लोगों को अब उस पर बहस कर रहे हैं उनकी तकरीर उनका फला उनसे ये फायदा हुआ उनसे ये नुकसान हुआ तो दुनिया का कौन सा बीदती है जिसके पास जहानत ना हो उनके पास ऐसे अफराद ना हो बड़े बड़े अलामा गुजरे हैं गुमराह होने वाले जो नए नए फिरकों के बानी गुजरे हैं उनके पास शूर होता था इल्म होता था अकल होती थी वो बहुत चालाक होते थे तभी तो उनको, उनको इल्मी मैदान में एक हा ना, नाम हुआ और उनके पीछे कुछ लोग चल पड़े तो शोहरत का पाना कुछ लोगों का फॉलोअर हो जाना ये किसी के सही होने की दलील नहीं है तो मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ इजमाली जवाब दिमाग में रखिए और इस आयत के जवाब में इस आयत की तशरी में शेख अब्दुलवाहाब ने रहा ने बुखारी और मुस्लिम की वदीस भी पेश की जो हजरत आयशा ने रवायत की वो

तो अब जिसको रसूलों में से चाहता है उसको गैब का इल्म देता है कितना दे दिया अल्लाह के जितना इल्म सब दे दिया क्या क्लियर है हर कोई सियाको सबाक से और दूसरी आयात मुकाम की रोशनी में इसका माना समझता है ये कई जगह है जैसे मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी में है <laughs> वला बिश इम ही के लोग अल्लाह रबालमीन के इल्म का अहाता नहीं कर सकते उसके इल्म में उसके से किसी भी चीज़ का अहता नहीं कर सकते इल्ला भी माशा उतना उत, उतना जितना खुद अल्लाह चाहे अब यह क्लियर है सबके लिए है रसूलों के लिए भी और अब रसूलों को वो चीजें बताता है जो आम लोगों को नहीं बता रहा वही के जरिए से रसूलों को जो चीज बताई तो रसूल ने वो उम्मत को भी बता दिया ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह के रसूल को एक चीज बताई अल्लाह ने जन्नत जहन्नम की आखिरत की खबर की और आपने उम्मत के लोगों से छुपा लिया नहीं बताया ऐसा है क्या आप गैब पर बखील नहीं है छुपाने वाले नहीं है तो जो आपको ने बताया, आपने जो है लोगों को बताया अब हम भी गैब जानते हैं आप पर हम गैब जानते कि नहीं नहीं जानते गैब भी कुछ चीजों को जानते जो रसूल ने सिखाया तो वही कह रहा हूं ना कुछ को जानते हैं कितने को जानते जितना अल्लाह और रसूल ने बताया और उसमें से जितना हमने पढ़ा जाना हम सिर्फ जानते नहीं जानने के साथ मतलब जानने में यकीन है बिलगैब बिल गैब बिल मुसलमानों की अहले ईमान और तकवे वालों की सिफत बताई कि गैब पर ईमान रखते हैं तो जाहिर सी बात है अब जितना जहन्नम हमने देखी मानते कि नहीं मानते गैब मान रहे हैं क्यों मान रहे हैं अल्लाह ने बताया रसूल ने बताया तो जो बता दिया वो पता है अम तहावी की एक इबारत है शरुला तहविया में किमान के दो इल्म हैं एक वो इल्म है जिसको अल्लाह ने मखलूक में उतारा उसका इनकार करना कुफर है मुझे बहुत प्यारी लगती है ये इबारत जिसको अल्लाह ने उतारा उसका इनकार करना कुफर है और एक वो इल्म है जिसको अल्लाह ने अपनी मखलूक से लपेट दिया गौर से इधर आपको जो दे रहा तो उसमें जो उनका है कि ना कोई मलक मुकर्रब फरिश्ता उसे जानता है ना कोई भेजा हुआ रसूल और नबी जानता है ऐसा गैब है जो अल्लाह ने लपेट रखा है अपने पास किसी को नहीं बताया आ, ना कोई फरिश्ता और ना कोई नबी पैगंबर कोई नहीं जानता उस इल्म का के जानने का दावा करना कुफर है आखिरी जुमला समझा ये हमारे मकसूद से है कि जो उतारा है उसको उसका इनकार करना कुफ्र है और जो बताया नहीं है जो बताया नहीं है जैसे तकदीर का है तकदीर में क्या लिखा है नहीं बताया उसको जानने का दावा करना कुफ्र है अब हमारे यहाँ ये सिलसिला शुरू होता है और फिर बुजुर्ग बुजुर्गी और सालहियत और अल्लाह के अलिया साल को इतना बढ़ा दिया कि शेख अब्दुल जिलानी लोहे महफूज में यानी तकदीर में जो लिखा है उसको कट करके नया लिख रहा है बिल्ला कितनी बड़ी जरूरत जसारत है ये कैसे ये जरूरतें हुई ये शिरकियात एक आदमी जो अपने आप को ये कहता है कि मैं कुरान हदीस मानता हूं मुसलमान फिर भी वो कुरान हदीस की खुली खुली तालीम के खिलाफ इस तरह का अकीदा लिए फिर रहा है क्यों यही शुबहत की वजह से और शेख वहाब कह रहे हैं कि वही इस इन शुबहत की जो दलीलें मुशरकिन देते थे उनका जवाब कुरान ने दिया है वो हम पेश कर रहे हैं उसका पहला इजमाली जवाब तफसीली जवाब अभी आगे आएगा में इन शांजमाली जवाब यह है कि अल्लाह ने कहा कि, अल्ला कि जो लोग कुरान हदीस को मानने का एक तरफ दावा कर रहे हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि जो महकम आयतें हैं जो माना और मतलूब में बिल्कुल साफ साफ है उसको छोड़ रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं पीछे पड़ते हैं मतशाबे के जिनके माना और मुराद में एहतमाल है कि ये माना हो सकता है लेकिन वो है नहीं लेकिन वही मानते हैं जो नहीं होता अल्लाह के रसूल कुरान में और हदीस में साफ साफ कहा गया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हुई नमा बशर हूँ कितना क्लियर है अब नहीं मानना है और कुरान में जो बात बयान की सहाबा ताबेन अल्लाह के रसूल ने जो बातें बयान की जो अब मुतफ़ा अकीदा है आज हम और आप जब उनको बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल बशर और इंसान थे तो कहते हैं कि यह अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी है जो कुरान साफ और मोहकम आयतों में कह रहा है उसको रद्द कर रहे हैं और इस्तेदलाल कहां से कर रहे हैं पहले तो कुरान में कहते हैं इनमां न बशर उम देखिए अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला मैं तुम्हारे मिसल बशर हूं मिसले बशर है बशर नहीं है तो मतलब बशर से हट के कोई तीसरी मखलूक है मिसले बशर वो कौन है उनकी नस्ल क्या है तो नूर है नूर मुजस्सम कौन सा नूर फरिश्तों वाला नूर है अगर फरिश्तों वाला नूर है तो फरिश्ते होते आप, आपको फरिश्तों के लिए पैगंबर बनाया जाता तो आप इज्जत घटा रहे हो हाँ। इंसान की हैसियत से फरिश्तों से ऊंचा मकाम है अंबिया का तो आप आपका मर्तबा घटा रहे हो कहा नहीं अल्लाह का नूर अगर अल्लाह का नूर बोल रहे हो तो हज़रत ईसा के बारे में ईसाइयों का जो अकीदा है उससे खतरनाक है क्या जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हजरत ईसा को बेटा बनाया हाँ। हाँ। आप कह रहे हो कि अल्लाह के जिन्स से निकल के आपकी जीन्स बनी जो रिवायत पेश की जाती है वो मुतफ़ा तौर पर मन घड़त और झूठी हदीस है कि अल्लाह ने नूर पैदा किया अपने नूर से नूर निकाला उसके चार हिस्से बनाए फिर एक हिस्से को ये किया एक हिस्से को वो किया एक हिस्से को वो किया ये सब झूठी हदीस तो अब जो मुतशाबे हैं मु, क्या कहते हैं मोहकम है कि आप बशर हैं आप कह रहे हैं कि मैं आदमी हूँ मिसले बशर कई जगह जैसे आपको कहा इना आना इना बशर हूँ मिसल या मिसल बशर ऐसे दूसरे अम्बिया के लिए भी कुरान में है अंबिया को रिजाल कहा गया कुरान में ना? रिजाल का लफ्ज़ आपने खुद अपने आप में कहा कि मैं एक आदमी हूं आपने खुद कहा कि मैं बंदा हूं बस मेरी तरफ वही किया मुझे बंदा और रसूल कहो कितनी साफ साफ बातें ना अल्लाह ने कहा कि मामले में आपका इख्तियार नहीं है अल्लाह ने कहा कि अरे रसूल आप जिसे पसंद करें उसे हिदायत नहीं दे सकते अल्लाह जी से चाहे हिदायत देता है अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए कि नफ़ा नुकसान का मैं मालिक नहीं हूँ ना मैं गैब जानता हूँ ना मैं फरिश्ता हूँ कुरान में ये मज़मून जगह जगह कितनी ये मौका माए हैं ना अब इन मोहकम आयतों को छोड़कर कर हुँ? दूर दराज से मुतबहत को बल्कि इसको मुतशाबे भी क्या कहें बिला वजह का खींचतान करके माना आरई करना कि अल्लाह के रसूल सल्हु वसल्लम यहाँ आप कह रहे हो देखो कुरान में है कि अल्लाह के मैं तुम्हारे मिस्र हूँ है ना अब हदीस में है कि अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे बगैर सहर वफतार किए हुए सौ में वाल मिला रोजा रखना जब उमती ने मुझे कहा कि नहीं तुम मत रखो कहा आप भी तो रखते हैं इस तरह कहा अयुम मिसली देखिए अल्लाह के रसुल खुद कह रहे हैं कि तुम में से कौन मेरे मिसले हम्म अब यहां बताइए कुरान की आयतें एक नई बहतेरी हदीस है जो कह रही हैं कि आप दूसरे इंसानों की तरह इंसान हैं लेकिन आपको अल्लाह ने ऊंचा मकाम दिया खातमनबीन बनाया सैदुलमरसिन बनाया शफीमजनबीन यामलक्यामा बनाया आपको दुनिया और आखरत में बहुत सारी खसूसियात और मकाम बलन से वरफ़ाणिक रख इन्ह ना आता इन्हना कल कोथर और ऐसे बहुत सारे मका मनाकब व मनाजिल से नवाज़ा सब कुछ ठीक सही है लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह के बंदे हैं मबूद नहीं हैं अब्द हैं लजी असरा ही ये दिमाग में ना है कि एक रात में यहाँ से वहाँ और वहाँ से आसमान पर गए तो अब्द नहीं रह गए अब्द है तो अब ये साफ साफ मजमून छोड़कर ये एक तरफ ये है अब मेरा सवाल ये है अभी हम उसको जाए जाने दें मैं एक मोहकम और एक मुतशाबे बता रहा हूँ अब मुतशाबे के इस्तेदलाल किया कि देखिए अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि तुम में से कौन मेरे मिसल है क्या यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल साहबा की तरह इंसान नहीं थे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं हुँ? उसी आयत उसी जुमले में जहाँ वहाँ कहा गया वहीं पर यह कहा गया कि अय मिसली मिजली अल्लाह हो यु तयोनी व नहीं, इस तरह का जुमला है मजरा बोल रहा हूँ सही है ऐसा ही है कि अल्लाह मुझे खिलाता और पिलाता है इल्म ने कहा कि ये खिलाना पिलाना रूहानी गज़ा के तौर पर है हाँ तो हाँ रूहानी गज़ा रूहानी कवत आप देखिए कि कभी एक आदमी बहुत खुश होता है या बहुत गमगीन होता है तो भूख मर जाती है ये एक जज्बाती कैफियत का असर इंसान की फिजिकल कंडीशन पे होता है इन्हें जज्बाती बुनियाद पर जिस्मानी कैफियत में एक तब्दीली होती है तो अल्लाह तबारा को तआला रूहानी तौर पर आपको इतनी क़वत अता करता है कि आप मुसलसल रोजा रख लें तो आपको कमजोरी का मसला नहीं है इस मामले में गोया आपको अल्लाह ताला ने खूसियत अता फरमाई तो एक खूसियत हो जाने से क्या आप दायरा बशरीत और दायरा अबीयत से बाहर हो गए सवाल है लेकिन इस सवाल के बजाय इस पर यह इमारत खड़ी की गई कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है मतलब कुरान और हदीस की वो सारी नुसूस जिनमें आपको बशर कहा गया दूसरों की तरह इंसान कहा गया मीन अनफ सिकुम तुम्हारी जिन से, से तुम्हारे दरमियान रसूल भेजा आमना और अब्दुल्ला के मिलाप से जो पैदा हुए इंसान के सारे मामला कायनात में इंसानों के साथ जो जो होता है रसोसम के साथ भी वो वो हुआ आपकी विलादत हुई आपकी वफात हुई आप जिंदगी पाए आपको भूख लगती थी आप बीमार पड़ते थे आपको बुखार आया आपके सर में दर्द हुआ है ना आप परजादू हुआ ये सब आपके बशर होने की बेशुमार खुली खुली दलीलें हैं इन सब को छोड़कर वो मुतशा लेके आ रहे हैं जब होना है मोहकम को इख्तियार किया जाए और मतशाबे का माना मोहकम से किया जाए ये एक उल है मैं आ रहा था इस पर कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें एहतमाल है मुतशाबे को हम यूं कह ले समझाने के लिए फर्ज करो कि एक मुतशाबे आयत या हदीस है मतलब उसमें यह माना भी लग रहा है यह माना भी लग रहा है बिल्कुल क्लियर नहीं है तो उसका फैसला कैसे होगा उस सिलसिले की जो महकम आयतें और हदीसें हैं उसके जरिए से वो क्लियर हो जाएगी कि इसका यही माना लिया जाएगा वाजे तो अल्लाह रब्बुल अल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में यह इजमाली जवाब और हथियार दिया है अहले ईमान को देखिए जो लोग मुतशाबे के पीछे भागते हैं ना उनके दिलों में टेढ़ी है टेड़पन है कजी है अब इस उसूल को सामने रख के इजमाली तौर से मैंने अभी जो इशारा किया था कि लोग सवाल करते हैं फला के बारे में ढिमा के बारे में जब आपको पता चल गया कि उनके यहाँ जैस है टेड़पन है इनहराफ है तो छोड़ दीजिए उन्हें जैसा कि अल्लाह तबार अल्लाह के रसूल ने इस आयत की रोशनी में फरमाया जो जोहत आयशा ने रिवायत किया और बुखारी मुस्लिम में है यह हदीस आपने फरमाया मातशा बहिन जब तुम उन लोगों को देखो जो उस चीज की पैरवी करते हैं उस चीज के पीछे चलते हैं जो मुतशाबे है कुरान की वो आयतें जिनके अंदर तशाबो एहतमाल है क्लियर समझ में नहीं आ रहा है आपको माना अगर ऐसी चीजों के पीछे कोई भाग रहा है पड़ रहा है और उसके उससे इस्तलाल कर रहा है तो उनको देखो तो फला इकीन यही वो लोग हैं जिसकी अल्लाह ने निशानदेही की है नामजद किया है सम्मा नाम लिया है, तो इसका एक तर्जुमा यह होगा नामजद करना अच्छा और एक अच्छा तर्जुमा होगा कि जिसको अल्लाह आलमीन ने निशानदेही की है कि ये लोग हैं देखो जो मुतशाबे के पीछे पड़ रहे हैं अल्लाह के रसुलरू हम लिहाजा तुम उनसे, उनसे तो उनको छोड़ो छो, उनसे बचो दूर रहो उनको उनके फॉलोअर मत बनो उनको लाइक like मत करो सब्सक्राइब तो बिल्कुल करने की आगे की बात हो गई उनको पीछे मत पड़ो तो एक क्लियर शेख मोहम्मद वहाब और हदीस का फिर से एक जुमले में कहूँ कुरान की आयतों और दलीलों में कुछ ऐसी है जिनका माना मफूम बिल्कुल साफ है वाजे है उनकी मुराद और मकसूद क्लियर है उसमें कोई हेज पेच नहीं है उलझन नहीं है और कुछ ऐसी है जिसमें एहतमाल जिसको मुतशाबे कहा गया पाया जाता है तो वहां उन मुतशाब आयात में अगर कोई आदमी ऐसा माना निकाल रहा है जो मोहकम आयतों के खिलाफ है तो वह गुमराही में पड़ रहा है वाज का अब जैसे हमने कुछ मिसालें दी शेख मोहम्मद ने मिसाल दी और इसी पर आगे बात करेंगे बहुत अच्छी बहुत गौर से सुनिए अभी शेख मोहम्मद की ही इबारत चल रही है इसकी मिसाल इजाकाल इस बाद अगर आपसे कुछ मशरकिन ये कहें कि देखिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना अलिया अल्लाफुन के अरे सुनो सुनो अल्लाह के अलिया ऐसे होते हैं कि ना उन पर कोई खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं खौफ मुस्तकबिल के लिए होता है डर गम माजी के नुकसान पर होता है तो अब इस पर खूब लंबी चौड़ी तकरीर की जाती है कि देखिए अल्लाह के अलिया क़ुरान कह रहा है अल्लाह के अलिया को ना मुस्तबिल में कोई खौफ होता है न माजी में कोई हुसन व माजी के मामला पर कोई हुसन व मनाला और गम होता है वो मस्त कलंदर होते हैं और उनको फिर यहीं से इमारत खड़ी करते हैं वो। तो अब आगे जो यहाँ पेश कर रहा है मैं अभी बोलने लगूँ तो दूसरी तरफ चले जाएंगे इसलिए किताब पर आइए वह अन शफात व अनबिया जाहन देखो अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह के अलिया पर ना गम है ना ना वम खाते हैं ना खौफ होता है

अब एक मश्रक ये बातें कहे कि यदील लो बही आलाश मिन इम बातें इन चीजों से वो अपने बातिल की कुछ चीजों पर इस्तेदलाल करता है इधर देखिए हम लोग गए जैसे एक जगह मज़ार पे मतलब जाना वो बीच में मज़ार पड़ गई बहुत पुरानी बात है हम लोग को पता भी नहीं था जब औरंगाबाद में गए पन चक्की पर है ना पानी की चक्की थी पहले किसी जमाने में तो नहीं पता था अंदर मज़ार भी है अवाम मुजावर साहब थे वो हम लोग को देखे तो समझे कि ग्राहक आए तो काफ़ी कुछ रिझाने लगे और दरमियान में उन्होंने कायल करने के लिए कहा कि ये इतने पहुँचे हुए और ऐसे ऐसे थे तभी तो आज भी मरने के इतना साल गुजर गए इतने दिन गुजर गए लेकिन लोग दूर दूर से आते हैं इनकी ज़्यारत के लिए तो ये उनकी दलील पेश कर रहा है ये उनकी मकबूलियत है बताइए अब दूर दूर से तो आज अयोध्या भी जा रहे हैं लोग तो मान लेंगे वो और कौन कौन जगहों पर लोग जाते हैं शिरक के जितने मकामा हैं खैर तो वो इस बात से इस्तेदलाल करते हैं कि अरे जब वो इतने पहुंचे हुए हैं मैं इसी बात को ये जो शेख मोहम्मद बुखार है ना इसी बात को दूसरे अल्फाज में कहता हूँ जो अभी बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मौलाना बार बार बोलते हैं और कुछ हंसते हैं कि कोई हवा में उड़े पानी पे चले जो बोलता हूँ ना यही चीज़ें पेश की जाती है आज हिंदुस्तान के माहौल में आप रहे हैं तबलीगी जमात में बरेलवियों में सूफियों में उनकी दीनी दावतों तबलीग असलाह तरबियत तस्किए का कुल खुलासा यही नजर आता है कि बुजुर्गान दीन की ऐसी चीजें बयान की जाए जो इंसान आम तौर से देखता सुनता नहीं है हाँ ओ अजीब वरीब हाँ हाँ जी <laughs> सही बात है अच्छा वो सब गायब में होता है हाँ हमारे यहाँ आजकल इन्हें वो माजी में बताते हैं कि हम लोग का पेट्रोल खत्म हो गया फलना सीरप पड़ ली तो बगैर पेट्रोल के गाड़ी जो है पचास किलोमीटर चली गई सुनना हम लोगों ने नमाज के लिए नियत बांध दी तो बोले हवाई जहाज आगे ही नहीं बढ़ रहा था जैसे जाके बैठेगा चलने लगा बताइए <laughs> और आ, ऐसे, हाँ जीरो और वो गाड़ी लेके हम लोग किलोमीटर आगे नहीं फिर बयान करने लगे लोगों में कि हमारे यहाँ भी ऐसे पहुंचे हुए हैं अरे भाई आप अगर उस टेक्नीशियन से या उस कंपनी से पूछेंगे तो वो बताएंगे वजह कि जीरो में भी हम लोग इतना मार्जिन रखते हैं अभी जैसे टू व्हीलर में पेट्रोल टंकी में साइड में एक रखते हैं कि आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो थोड़ा उसको लेटाविटा के चुमकार के थोड़ा समा समझाया जाए तो कुछ दूर तक ले जाने वाला पेट्रोल दे देती है ये एक सिस्टम है हाँ और ये चीजें अलग है वो जो बयान कर रहा हूं मैं मतलब ऐसी ऐसी बातें बयान करके लोगों को सुनाया जाता है और मैं जो कह रहा हूं कि आवाम में ये तासुर देते हैं ये एक चलो फर्ज कर लो अभी जाने दीजिए ये उल्टी सीधी बातें सही सही करामत है किसी की वाकई में करामत हो जैसे मिसाल के तौर पर लोग बयान करते हैं हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कहते मामिफा राहम्ला चालीस साल तक ईशा के वजू से फजर पड़ते हैं हालांकि इस पर उन पर बहुत एतराज़ आ जाएंगे है ना लेकिन हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लें कि जो हकूक रात में अदा किए जाते हैं वो दिन ही में कर देते थे चलो मान लिया है अच्छे नहीं आए आप लोग माशा हम इज्जत करते हैं सही बात है लेकिन ये झूठे वाक़ है ना तो अब आप खुद कह रहे हैं कि चालीस साल ऐसा हुआ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसा हुआ तो इससे आपका आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर सिर्फ इतना है कि ठीक है इससे हत इमाम बुखारी का तकवा परहेजगारी पाबंदी पाबंदी शरा तवर्रों ने की जाहिर करना है तो ठीक है इस हद तक ठीक था लेकिन मकसूद ये नहीं होता इस पे फिर अपने खुराफात की या किसी और गलत चीज़ की बुनियाद इमारत खड़ी करनी होती है हाँ किसी की तकलीद करनी है तो उसको ये कि जब इतने पहुंचे हैं तो तकलीद की जाए किसी की पूजा पाठ करनी है कबर पे जाना है तो उसके लिए कि जब वो ऐसे हैं तो ये हमारे सिफारसी बन सकते हैं हाँ। मैंने वो अपनी किताब में जिक्र किया मैं इंदौर जा रहा था मेरे बाजू में एक जैन मज़हब का आया धूलिए से बैठा बस में तो उसने कहा कि हमारे एक बहुत बड़े क्या पीर बाबा बोलते हैं वो लोग बोले वो आए थे मुनि हाँ आए थे तो मैंने जरा सा कुछ टेंशन में था उनकी पहली मरतबा जो नहीं फिर से उसने मुझको बाकायदा हिला डुला के बोला कैसे है बाबा हम मिलने आए थे बोला अच्छा फिर कहा कै, कैसे है वो तो कहा जयपुर से धूलिया पैदल आए अब वो बड़ी अकीदत से बयान कर रहा है कि जयपुर से धूलिया पैदल आए तो मैंने कहा कि क्यों पैदल आए गाड़ी नहीं थी कि पैसा नहीं था तो घुरने लगा मुझे मतलब पैदल क्यों आए तो घुरने लगा मतलब इस अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि वो पैदल आए तो उनकी बहुत ऊंचा मकाम हो गया फजीलत हो गई उससे मैंने कहा कि मतलब वो बहुत बड़े हो गए आपकी नज़र में बोले तो फिर मतलब अगर मैं जयपुर से धुलिया धुलिया से फिर और आगे तक चला जाऊंगा तो उससे बड़ा मान लोगे मेरे को ऐसा कैसे फिर कैसे कैसे यानी ये आपके नजदीक दीन की बुनियाद बन रही है कि एक आदमी वहां से वहां पैदल चल के आया उससे भी अगर आगे कोई चला गया तो उससे बड़ा बाबा बन जाएगा क्या मियार है ये कोई दीन तो मैंने कहा वो पैदल चल के आए तो इससे उनका फायदा हुआ आपका हुआ हमारे देश का हुआ मुल्क का कौम का हुआ किसका फायदा हुआ क्यों आया पैदल कोई इस इस पे फजीलत की बात है कोई उससे ज्यादा लंबा चल ले तो वो उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसी ही चीज़ें आवाम को अट्रैक्ट करती हैं कि अजीब व गरीब यही वजह है कि हमारे यहाँ वायजीन की जो रिवायतें हैं ना पब्लिक को ऐसी चीज़ें सुनाना जो किसी ने कहीं किसी ने बयान ना की हो तो उससे अपने इल्मी रो रो भी कब रोब भी झाड़ते हैं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बयान करता हूँ जहाँ परिंदा पर नहीं मारता चरिंदा चर नहीं मारता और दरिंदा दर नहीं मारता तो इस तरीके की बुनियादें बयान करके ये जो शेख ने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के अलिया को ना खौफ होता है ना गम और फिर अलिया का ये मकाम है नबियों का ये मकाम है अल्लाह रबुलमीन के वो इतने मुकर्रब हैं सबसे आला हैं तो फिर अगर उनकी खबर पर गए तो क्या हर जगह मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्या जुमला कहा इसके जरिए से वो अपने बातिल की कुछ बातों पर इस्तेदलाल करता है कि जब वो इतने पहुंचे हुए हैं तो फिर हम उनको वसीला लगा के क्यों नहीं बुला सकते जब वो इतने पहुंचे हुए हैं तो हमारी मुश्किल कुछाई क्यों नहीं कर सकते जब वो ऐसे हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते वो काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खसूसियत है वो उनसे जोड़ देते हैं एक मुतशाबे की बुनियाद पर अपने बातिल की इमारत खड़ी करते हैं ये कहना चाह रहे हैं शेख कि देखिए जब वो इतने पहुंचे हुए हैं तो अपनी बातिल को पेश करता है अब आगे शेख ने कहा कि जो ये दलील देकर वो समझाना चाहता है करा वो जो मुशरक बयान कर रहा है ना आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि देखिए चालीस साल तक ईशा के वजू से फजर पड़ी लिहाजा उसकी तकलीद करो अभी जैसे इमाम हनीफा रहम्ला अभी हम मान लें उस पर बहस नहीं करते चालीस साल तक मैं उसमें और बढ़ा देता हूँ कुछ लोग बढ़ाते भी हैं पचास साल साठ साल जिंदगी भर जिस दिन से बाली हुए एक वजू किया फिर वजू टूटा ही नहीं मान लो अब उनका वजू नहीं टूटा या उन्होंने इतने दिन नमाज पढ़ी तो क्या यह दलील है इस बात की कि उनकी करें करे सवाल है मेरा ना कोई मुनासबत नहीं है लेकिन यह गैर शोरी तौर पर तासुर दिया जाता है और ऐसे ही कुरान की आयतों को जिक्र किया कि भाई अवलिया अल्लाह पर कोई खौफ और नहीं होता और वो गमजदा नहीं होते तो ठीक है यह अलिया की फजीलत है फिर अंबिया की फजीलत में कि आप नबी आपका ये ये मकाम है अल्लाह आपको रातों रात मेराज ले गया इसरा के सफर पर ले गया, इन रात रात ले गया। बैतुल मक्दिस, हराम से लेकर मस्जिद अकसर अच्छा तक और फिर वहां से आसमान की सैर तो ठीक है ले गया अल्लाह रबी क्या इससे ये साबित हो रहा है कि अल्लाह के रसूल सल अलाम की शख्सियत में है अल्लाह रबालमीन की खसूसियात और सिफात आ गई जी पूछ रहा हूं मैं नहीं ना तो ये

मैंने कहा कि उसका महाकमा लोगों ने बहुत किया मैं उसकी मिसाल दे रहा था कि लोग किस तरीके से ये जैसे यहाँ शेख ने मिसाल दी कि बुज़ुर्गान दीन की फजीलत का जिक्र करके एक सही चीज़ को बुनियाद बनाते हैं और उससे एक ऐसी चीज़ पर इस्तेदलाल करते हैं कि ये देखो साबित है कि इनका ये मकाम है अब उससे दलील किस बात पर दे रहे हैं कि उनकी तकलीद कर सकते हैं उनको पुकार सकते हैं उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा गौज फला फला फलाँ मान सकते ये दे रहे हैं तो छः कोई बताना चाह रहे हैं कि महकम आयतें बता रही हैं कि वह अल्लाह के बंदे हैं मुहकम आयतें बता रही हैं कि वो अल्लाह के इख्तियारत में शरीक बिल्कुल नहीं है अल्लाह के सिवा कोई गैब का इलम नहीं जानता अल्लाह के सिवा कोई कायनात का निज़ाम नहीं चलाता अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जिसके फैसले से इस कायनात में मामला चले लेकिन अब इन लोगों को साबित करना है कि इन्होंने जो अकीदा गढ़ा है कुरान हदीस को रद्द करने के लिए कि भाई कायनात का निज़ाम कुछ लोग चलाते हैं चार कुतुब होते हैं उनके दिन में कुछ नौजपा होते हैं फिर उनके ऊपर जो है वो गौस होते हैं गौस के ऊपर जो फ़लह होते हैं और ये लोग पूरा निज़ाम चला रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का डिपार्टमेंट इन्होंने संभाल लिया है नौजिल्ल अल्लाह के काम को तो ये साबित करने के लिए जो बातिल है जो मोहकम आयात और सीधे दीन और साफ़ सुथरी तालीम के ख़िलाफ़ उसको बेस बनाते हैं इन चीज़ों को यहां ये यह साबित नहीं हो रहा है यहां तो एहतमाल भी नहीं है ये जो मिसाल हम दे रहे हैं इसमें तो एहतेमाल भी नहीं है अब कुरान की वो आयतें जो शुरू में मैंने दी कि भाई वो दे रहे हैं तो कहते है, देखे दे रहे हैं हर तैयब वो रहे रहे क्या दिया अल्लाह के रसूल ने मुठा खाली था उनका दामन खाली था तो गैब दे रहे हैं और वो गैब ले रहे हैं है ना तो वहां तो एक चीज एक माना कि कुछ गुंजाइश लगती है कि वो जो जो बोल रहे हैं वो साबित नहीं हो रहा है लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है ये गैब है ठीक है है ना लेकिन यहां कि जब अल्लाह के इतने ऊंचे बंदे हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते यानी दलील और मुस्तदल में दावे और उससे साबित की जाने वाली चीज में कोई कनेक्शन नहीं है ताल्लुक नहीं है इस बात होता ही नहीं लेकिन दिल के टेढ़े टेगड़ेपन वाले लोग इसको मानते हैं अब आपने जो कहा उसका तो लोगों ने पोस्टमार्टम खूब किया है कि वो सही ही नहीं है और हो भी नहीं सकता इमिफर अम्ला मुतकी परहेजगार आदमी हाँ दीन के पाबंदी करने वाले क्या उनको बशरी तकाजे नहीं थे कभी पेशाब पखाना हवा का निकलना या बीवी बच्चों बीवी के पास जाना या नींद लेना चालीस साल सोए ही नहीं तो वही जो अल्लाह के की रसोलम की इन्होंने आपने पेश की कि बात सहाबा में इस तरह की बात आई कि रात भर मैं नमाज पढ़ूंगा सोऊंगा नहीं बीवी के पास नहीं जाऊँ तो अल्लाह के रसूल ने उनकी सरजनिश की कि नहीं ये मेरा तरीका नहीं है है ना हम्म

अलिया तो सब हैं मोमिन अब उनके दर्जात हैं कुछ मुक़र्रब हैं कुछ मुख्तद हैं अब रह गई बात यह कि अलिया के, के तल्ल से मैंने अभी ये कहा कि मोजात और कराम अभी पिछले दर्स के अख्ताम के बाद मुझसे आप लोगों में से किसी ने सवाल किया था कि कुरान में यह है कि काला इफरीतु मिनल ज़ीन ने वो जो मलिकबा जिसके बारे में कहते हैं कि बिल्किस नाम था उसका तख्त और अरश लाने की बात थी ना तो सुलेमान ने पूछा कि कौन ला सकता है तो कहा कि मैं आपके बैठने से पहले ले आऊंगा तो एक वो शख्स जिसके पास इल्म था हाँ अल्लाह के इसमें आजम कुछ लोग कहते हैं इल्म था उसने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले, और फिर वो ले भी आए तो उसपे किसी ने मुझसे सवाल किया था आप ही लोगों में से किया था किसी ने या किसी ने बाहर किया था आप में लोगों में से नहीं पिछले हफ्ते सवाल किया था बड़ा अच्छा सवाल था में एक नुक्ताई बताते थे कि नबी के होते होते औलिया का ये पावर नबी है सामने सल्लल्लाहु अलैहि और उनके सामने इस तरह एक अपने पावर का इशारा हम्म वो यही सवाल था उसका कि एक वली के अंदर ये ताकत होती है जिसके पास इल्म होता है तो मैंने उसके तीन चार जवाबात दिए कि उसके पास वो इल्म था कौन सा इल्म था आज हमें नहीं पता तो एक ऐसी ही बात है कि मैं बोलूं कि मैं ये इमारत बना सकता हूं क्योंकि इस इमारत को बनाने का इल्म है मेरे पास ऐसा एक इल्म उनके पास था अल्लाह ने दिया था वो अल्लाह हो गए एक बात दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान हित समान सलाम पूछ रहे हैं कि कौन ला सकता है ये नबी है अल्लाह ने आपको नबूवत दी मलक के साथ मलिक के साथ नबी भी थे तो नबी का दर्जा अहिल सुन्नत वाल जमात के इतफ़ाक़ी सूफिया जो कहते हैं वो बातिल है है जो वली को नबी से ऊंचा मानते हैं तो अहले सुन्नत वाल जमात का मुतफ़ा अकीदा और कुरान की कुल्लम को क्या है वहन फजलनामिन फजलना अम्बिया का जिक्र करके बाज अम्बिया का जिक्र करके कुरान ने कहा कि इन तमाम को हमने तमाम जहानों पर फजीलत दी ऐसी और भी दलीलें जिससे पता चलता है कि अंबिया का गोरव सबसे ऊंचा है अब हर सुलेमान बजाते खुद नबी हैं और पूछ रहे हैं कौन लाएगा और एक आदमी ला रहा है तो अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो ले आए तो उनको शक्ति ताकत क्या उनको खुद से वो ताकत हासिल थी अल्लाह ने दी और जो उनको हासिल थी हते सुलेमान अलैहि सलाम को वो ताकत हासिल नहीं थी जबकि सुलेमान अलैहि सलाम का, का दर्जा बहुत ऊंचा था अब बोलते हैं कि अरे इससे तो ये साबित हुआ कि जिसके पास ताकत ज़्यादा है उसका दर्जा ऊंचा होगा इधर देखिए अब मेरा सवाल यह है कि अपने लोगों को ताकत ज़्यादा है कि घोड़े और हाथी को ज़्यादा है गाय और बैल को ज़्यादा है फजीलत वाला कौन है ज़्यादा तो आप बोलेंगे नहीं मैं मान ही नहीं सकता कि हाथी हमसे ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि फजीलत तो इंसान की ज़्यादा है किसी एक चीज़ में अगर कोई ज़्यादा है पहाड़ हमसे बहुत बड़ा है लेकिन पहाड़ की फजीलत नहीं है इंसान के मुकाबले में है कि नहीं है ना तो फजीलत अलग चीज है जसामत या कुछ मखसूस चीजों में कम ज्यादा होना अलग चीज है मजमू तौर से दर्जा मकाम फजीलत एक अलग चीज़ है ये अच्छी तरह समझे तो लोग जो है इस तरह का इसे, यही मतशाबे है कि जब देखिए एक वली जो है ये कह रहा है वो तो अल्लाह का नाम लेके जो है वो बिल्कीस के अर्श को जो है यमन से जो है उनके वहां तक ले आया सलीमान तक यमन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो भी हिस्सा था जहाँ तो फिर ये जो है एक वो नबी या किसी वली के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है वो आपकी हाजत रवाई और मुश्किल कुछाई कर सकता है ये मतशाबे हुआ कि एक आयत में एक वाकया ये ख़ुसूसियत बयान की गई है अल्लाह आलमीन ने किसी को फजीलत दी मोज़ज़ात दिए करामत दी तो ये मोज़ज़ा और करामत अल्लाह की मशीयत पर है जब चाहे देता है जब चाहे नहीं देता अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अपने पीछे भी देखता हूं नमाज में लेकिन कई मरतबा पलट के आपने पूछा कि रबाल हमदन का सीरन किसने पढ़ा था हाँ खांसी आई तो अल्हम जवाब किसने दिया था अलहमदल्ला किसने कहा था आप भूले भी तो आप कभी पूछ रहे हैं कि किसने ऐसा किया और कभी कह रहे हैं कि जैसे मैं आगे देखता हूँ पीछे भी देखता हूँ तो अल्लाह ने जब चाह दिखाया ये मजामिन क्लियर है लेकिन इन क्लियर मजामी में तशाबो पैदा करके अहतमाल पैदा करके गलत चीज़ को साबित करना यह अहले बातिल और अहले जैक का शिवा है ये कुरान कह रहा है और रसूल ने कहा जब ऐसे लोग तुम्हें मिले तो उनसे बचना दूर रहना हाँ आगे शेख मोहम्मद अफहाब की ये आज की इबारत मुकम्मल कर दे आज का दस मुकम्मल हो जाएगा चार बज गया है फजाव इब कौलिक जब कोई ऐसा इस्तला करे कि तुमसे कहे के देखो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के अलिया खौफ नहीं खाते उन पर न होता है हाँ और नबियों का यह मकाम है फला का यह मकाम है और फिर अपने बातिल पर उससे दलील पकड़े जो तुमको समझ में ना आए तो उसको जवाब दो अपने इस कौल के जरिए से कि इन अल्लाह जक़रफ ही किताब ही के अल्लाह ताला ने अपनी किताब में गौर से सुनिएगा तर्जुमा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ये बताया है बयान किया है कि जिन लोगों के दिल में जैग है कजी है टेड़पन है वो मोहकम आयतों को साफ साफ माना वाली आयतों और दलीलों को छोड़ देते हैं मुتشابه, मुتشابه, और जो मुतशाबे हैं जिनके माना में एहतमाल है ये भी हो सकता है और ये भी उसके पीछे पड़े पड़ जाते हैं वो वाह जकर अल्लाह अन ज़कर और जो मैंने तुझसे बताया है कि अल्लाह तबारक ते बयान किया है कि अनल मुश्रकी ये पहले बयान किया जा चुका है कि तुम सोचो कि मुशरकिन जो थे अरब के अल्लाह के रसूल वसलम के सामने वाले वो रुबूबियत को का इकरार करते थे ये मानते थे कि कायनात को बनाने वाला कौन है अल्लाह तो रबूबियत मानते थे वह अनना कुफ़्र हूँ लेकिन फिर भी काफिर थे रुबूबियत मानने के बावजूद काफिर थे तो क्या था उनका कुफ्र उनका कुफ्र जो था वो मलाइका यानी फरिश्तों अंबिया अलिया के से ताल्लुक के वजह से था और उनसे ताल्लुक कैसे था उनके इस अकीदे और कौल की वजह से वो कहते थे कि उलाए इंदल्ला ये लोग जो हैं सालेहीन फरिश्ते नेक लोग मात लात ला, 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 मनात ये लोग अल्लाह के पास हमारे सिफारशी होंगे ये खुद कुरान ने यूनुस में और कई मकाम पे नकल किया उनका कौल हाजा अमर उम ये जो कुरान ने बयान किया ये मोहकम है वाजे है कुरान ने जो बताया कि मुशरकिन का शिर क्या था कि यह अपने अलिया बुजुर्गों को क्या मानते थे कि ये हमारे और अल्लाह के दरमियान वास्ता है सिफारशी है यही उनका शिर था ये कुरान कह रहा है इसमें कोई घेच पेच नहीं है साफ साफ है अब कह रहे हैं लायक ये रमाना हो ये इतना साफ और वाज माना है कुरान के कुरान की तालीम का कि इसको कोई भी शख्स इसके माना को चेंज नहीं कर सकता तब्दील नहीं कर सकता रद्द नहीं कर सकता वमा माजा अगर कोई रद्द कर रहा है तो कुरान को रद्द कर रहा है कोई खुला खुला और जो तूने तुमने जो मुझसे बयान किया अयोहल मुशरक ए मुशर कुरान से कि कुरान में है कि अल्लाह के अलिया ऐसे हैं और नबियों का यह मकाम है और या अल्लाह के नबी नबीम के कलाम से तुम कुछ बात बयान कर रहे हो मैं उसका माना नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम कहाँ से हाँ कहाँ की टोपी कहाँ लगा रहे हो हाँ वला किन अक्तारो अन् कलाम अल्लात नाकस जी मुझमाल इजमाल जवाब लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है मैं कतई तौर से यह मानता हूं जानता हूं कि अल्लाह ताला का कलाम टकराता नहीं है एक तरफ अल्लाह का कलाम इधर देखिए यानी क्या मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ अल्लाह का कलाम कह रहा है कि तुम बुजुर्गी और तुम सिफारशी मान रहे हो तो यह शिरक है और दूसरी तरफ कहे कि तुम सिफारशी बना सकते हो यानी दो अलग एक दूसरे के उलट बात अल्लाह का कलाम कह सकता है क्या मैं ये जानता हूं कि अल्लाह का कलाम एक दूसरे का रद्द नहीं करता एक दूसरे को से टकराव नहीं रखता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अल्लाह के कलाम के खिलाफ नहीं हो सकता हम्म ये ऊपर जो एक इबारत थी ना कि कुरान की आयतों से इस्तेदलाल करता है या नबी सल्लम की कुछ बात जिक्र कर रहा है तो नबी की बात और अल्लाह की बात में टकराव और तनाकुस नहीं हो सकता ये बिल्कुल तय है अब जिसको अल्लाह ने शिर कहा वो शिरक है अब तुम खींचतान के उसको बोलो कि ये कर सकते हैं तो वो सही नहीं होगा क्योंकि कुरान की मोहकम आयत कहती है कि वास्ता मानकर किसी गैर अल्लाह को पुकारना पूजना शिरक है जिसकी वजह से मुशरकिन मक्का मुशरक थे तो अब आज भी कोई आदमी अगर ऐसा अकीदा रखेगा तो वो शिरक ही होगा अब आप अपने आप को तसली देने के लिए अल्लाह के कलाम और नबी के कलाम से कुछ खींच तान के माना पैदा करो तो ये मुतशाबे के पीछे भागना है ये इजमाली जवाब है शेख ने कहा वहाज़ा जवाबल सदीद ये बड़ा उमदा और बहुत ही माकूल जवाब है वालाकिन, लेकिन इस मुद्दा और जवाब को वही शख्स समझेगा जिसको अल्लाह की तौफीक मिलेगी आप ये बात मुशरिकीन या गुमराह लोगों को पेश कर दें तो मान जाए ऐसा नहीं है अल्लाह की तौफीक मिलेगी तभी मानेंगे फला तस्तही भी इस दलील को इस इजमाली जवाब को आप कमतर मत समझिए इसको हल्का मत कि बहुत हल्का जवाब है बहुत भारी जवाब है ये बहुत कीमती जवाब है इसको अच्छी तरीके से पढ़ के समझिए जितने भी बातिल परस गलत चीज़ों को खींचतान के साबित करते हैं आप उनको रद्द कर सकते हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कुरान की खुली खुली आयतें तो ये कह रही है हदी से ये कह रही हैं और आप खींचतान के बारीक जबरदस्ती का माना निकाल के ये बता रहे हो समझ में नहीं आती बात अल्लाह ताला का, का कलाम एक दूसरे का रद्द नहीं कर सकता जब अल्लाह ने कहा यहाँ शिरक है तो अब तुम कितना भी घुमा फिरा के कहो वो शिरक ही साबित है कुरान से हाँ और नबी का कलाम अल्लाह के कलाम के खिलाफ भी नहीं हो सकता पर इन कमां काला इसलिए कि तबारा ने फरमाया कि ये जो सच्चाई अच्छाइयाँ हैं ऊँचा मकाम है हो। ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करते हैं वामाक् जुहैज नज़ीम और उसे ही नसीब होती है जो बड़ा नसीबे वाला यानि बहुत खुशकस्मत होता है कोई खुशकस्मत नहीं है तो वह इससे महरूम रहेगा ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लर की इबारत है हाँ मैं बहुत ही सरसरी तौर से शेख जैद की तशरी का कुछ हिस्सा पेश कर दूं कि इस तरह से आप पाएंगे कि जो शख्स सुन्नत से हट के बिदत की तरफ़ भागता है रसूल के तरीक़े को छोड़कर गुमराही को इख्तियार करता है वो क़ुरान की कुछ आयतों से ऐसी आयतों से चिमटता है जो मुतशाब मफहम रखती हैं जिनके अंदर एहतमाल है और उसका माना हर किसी के लिए साफ और वाज नहीं होता सिवाय उन लोगों के जो इल्म में मजबूत और रासिक हैं चुनान वो वह याती। से ऐसे मौके पर एक ख्वाहिश परस्त इंसान हवा वाला आदमी आता है और कहता है कि अल्लाह ने तो ऐसा कहा अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने फला बात क्यों कही क्यों इबलीस को पैदा किया क्यों उसको क्यों ऐसा किया क्यों ऐसा किया अरे तकदीर में जब लिख दिया तो हमारा क्या इबलीस को पैदा किया वो तो बहकाएगा हमें ताकत दी तो हम तो जेना करेंगे हम तो चोरी करेंगे तो अब जब ऐसा है तो फिर इसमें बुराई क्या है इस किस्म की उल्टी सीधी बातें पैदा करता है तशाव पैदा करके जो है इंसान को धोखे में डालता है ये सब शैतानी शुभ हैं जो इंसानों के शयातीन जिनों के शयातीन से या अपने जैसे दूसरे गुमराह लोगों से लेते हैं लेकिन जो शख्स सच्चाई के साथ दिल की सच्चाई के साथ हिदायत का तालीब होता है तो वो पूरा का पूरा ईमान रखता है कि अल्लाह तबारक किताब जो है इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हाँ, इसमें कोई ऐसी आयतें नहीं पाई जाती कि एक आयतें दूसरी एक आयत दूसरी आयतों का रद्द करे ऐसा नहीं है पूरी कुरान में कहीं एक दूसरे में टकराव या तरदीद नहीं है सिवाय इसके जिसमें नासिक हो हो वो क्लियर हो जाता है हाँ जैसा कि ऐसी आयतें भी नहीं पाई जाती कुरान में जो कुछ दूसरी आयतों को झूठा साबित करे झुटलाए या कुछ आयतें यहां तो ऐसा है बल्कि ऐसा है कि कुरान की कुछ आयतें एक कुरान की कुछ आयतें दूसरी आयतों की तस्दीक करती हैं उसकी उसको तकवीत देती हैं और उसकी दलील फराहम करती हैं जैसा कि अल्लाह रब्लमी ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह नजला अहसन हदीस अल्लाह ही है जिसने बेहतरीन कलाम नाजिल फ़रमाया किताबमतन जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती हैं फसाहत में बलागत में तस्दीक में सच्चाई में हिदायत के बयान में हाँ हर एतबार से वो मु और मतशा हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं मसानिया ये दोहराई हुई आयतों के ने बार बार इनको दोहराया जाता है हाँ तकशाह रोमिन हो जुलुदल लजीना रब जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं सलिन और जुलूद हम फिर उसके बाद फिर आखिर में उनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नर्म हो जाते हैं हूँ खुलूब इला ज़िक्र है ना व माना मुत मुतशाबे का माना क्या है शेख ने बयान किया कि वो आयतें एक दूसरे से मुतशाबे होती हैं मतलब के बास तस्दीक में एक दूसरे की तस्दीक यहाँ जो मुतशाबे इस आयत में है कि कुरान की आयतें एक दूसरे से की तस्दीक करने में एक जैसी हैं सच्चाई में एक जैसी हैं उमदगी में कमाल में और उसकी जो लज्ज़त और मौसीकीत है उसमें हक की तरफ दावत देने में और फसाहतो बलागत की जो खूबियां हैं ये सब अल्लाह के कलाम में आपको एक तरह से नजर आएगी कहीं ऐसा नहीं आएगा कि यहां बहुत बिस्मिल्ल रन रही हाँ ये जो आयत पढ़ी हमने अल्लाह नजसन अल हदीस हाँ किताब मतशाब तो इसमें मतशबे का माना कि अल्लाह ने जो बेहतरीन कलाम कुरान नाजिल फ़रमाया ये एक दूसरे से मिलती जुलती आयतों पर मुश्तमिल है अहकाम पर तो यहाँ मतशे का माना यह बताया कि एक दूसरे से वो मिलती जुलती है किन बातों में सच्चाई में सदाक़त में उमदगी में कमाल में हिदायत में हक़ की तरफ दावत देने बातिल का रद्द करने में और कुरान की जितनी खूबियाँ हैं उन खूबियों कुरानी आयतें एक दूसरे के से मिलती जुलती हैं ऐसा नहीं है कि एक बहुत आला है और एक में कुछ कम दर्जा इंतहाई कम दर्जा है ऐसा नहीं है पूरा का पूरा अल्लाह का कलाम है और महकम और मुतशाबे पर मुश्तमिल है सब एक दूसरे से मिलते जुलते चुनान से जो अहले हक़ हैं हाँ अहले हक हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो आयत सूर्य बिब्रानी मीनो आयाक महकाम के तनाजुर में कह रहे हैं कि जो अहिल हक हैं अहल सुन्नत वजाम की अलामत यह है कि जो कुरान के महकम आयतें हैं जिसके मानी बिल्कुल साफ और मालूम हैं उन पर ईमान रखते हैं और उन पर अमल करते हैं उन्हीं को इख्तियार करते हैं अपना मसलक बनाते हैं बुनियाद बनाते हैं क्योंकि कुरान ने कहा हन्ना उमूल किताब यही असल किताब है हाँ फिर कह रहे हैं ममकान अमिनत और जो आयत मतशे हैं और उसके माना को अगर वह नहीं समझ पाते उन पर मुश्किल पड़ती है कि इसके माना मतलब हकीकी क्या है तो क्या करते हैं बल अशकला मानाबाद आयात मानी हा कुछ मुश्किल पड़ गई अगर कुछ हो जिसका माना वो साफ साफ नहीं समझ पाते तो क्या करते हैं कहते हैं यकुल्लु ना आमन्ना भी कुल्लू मिनिना वो कहते हैं कि हम इन तमाम पर ईमान लाए और ये सारी के सारी आयतें जो हम समझ पा रहे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं सब अल्लाह की तरफ़ से है हमारे परवरदिगार की तरफ से है, है। यानी मोहकम हो या मुतशावे सब को अल्लाह आलमीन ने नाजिल किया है हाँ सब बामकसद हैं और हर इल्म वाले के ऊपर इल्म है ये हम दुनिया में भी देखते हैं कि एक चीज़ एक आदमी को समझ में आती है दूसरे को नहीं समझ में आती तो कुरान के बाज मतलब बाज़ लोगों पर जो है वो वाजे नहीं हो पाते या वो नहीं समझ पाते उनकी अक्ल अकिल फहम कमज़ोर होता है तो जो हिदायत की चीज़ें हैं वो तो साम सामने हैं वाजे है वो मान लेना चाहिए और मतशावे कुछ को अगर नहीं समझ में आती तो उसमें तरीक़ा यह होना चाहिए कि यह कहे कि हमको नहीं समझ में आ, में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है लेकिन हम ये मानते हैं कि यह रब की तरफ से है हम इन सब पर ईमान लाए चुनान एक कौम मुसलमानों की अहल हक की वो है जो महकम को जानती है और मतशबे का इल्म नहीं रख पाती एक कौम ऐसी होती है दूसरे ऐसे होते हैं जो महकम को भी जानती है और मतशबे के मानी को भी जान लेती है और दोनों कह वो कहते हैं कि हम इन सब पर ईमान लाए और ये सब के सब हमारे रब की तरफ से है ये एक अहल हक का तरीक़ा होता है मुतशाबे के पीछे पढ़कर ऐसे माना इख्तियार करना जो मोहकम के ख़िलाफ़ हो और मोहकम के की तरदीद करे ये बिल्कुल खुली हुई गुमराही है अल्लाह रब्लम ने उसकी निशानदेही की और रसूल सल्लम ने भी हमको आगाह किया कि ऐसे लोगों को समझ लो परख लो हाँ और उनसे दूर हो जाओ उनसे बचो सही रास्ते पर चलना है ये मुजमल जवाब है अब मशरकिन जो मुख्तलिफ दूसरे एतराज़ा उठाकर शिरक और शिर मशरकाना अकायद को इख्तियार करते हैं उनके एतराज़ा और जवाब मुफसल तरीक़े पर इंशाला आगे के दुरुस्म में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताली हमें खैर की तोफ़ी दी है बाखब